अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू और बैंगन वटाने की सब्जी। तो हमें चाहिए टमाटर, एक टमाटर लिया है मैंने, उसे कट कर लिया है। थोड़ी सी मेथी ली है, हरी मिर्ची ली है 5-6, अदरक लहसुन लिया है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर सकते हैं। हम कितने तेल बना रहे हैं? ऑयल हमारा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें सब्जी को ऐड करेंगे। सारी सब्जियों को ऐड कर लेना है। दो से तीन मिनट तक हम इसे कढ़ाई में फ्राई करेंगे। दो तीन मिनट तक इसे फ्राई करेंगे हम। अदरक लहसुन का हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन को फ्राई करूंगी। थोड़ा सा मेथी ऐड करूंगी इसमें। मेथी के साथ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, जो हमने दरदरा सा बनाया था। अब सब्जी में हम इसे ऐड करेंगे, जो हमने अदरक लहसुन और मेथी का तड़का लगाया था तेल में, इसे सब्जी में ऐड कर देना है। इसके साथ साथ हम 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। सब्जी को चला लेना है 1 मिनट के लिए। 2 मिनट हमने सब्जी को फ्राई कर लिया था, अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से चला लेंगे। और इसमें हम अब हरी मिर्ची कट करके ऐड करेंगे। हरी मिर्ची को इस तरीके से मैंने कट कर लिया है बारीक सा, इसे मैं सब्जी में ऐड कर दूंगी। वन टमाटर जो हमने कट करके रखा था, अब हम इसे ऐड करेंगे। अब गैस का फ्लेम स्लो करके हमें 5 मिनट तक सब्जी को ढक लेना है, ताकि ये भाप में हो जाए, अच्छे से गल जाए, और हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है। 5 मिनट के लिए हमने गैस का फ्लेम स्लो रख के सब्जी को ढक दिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब हमारी सब्जी गलने लगी है, तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। हो चुके हैं, तो अब हम सब्जी को खोल के देखेंगे। ये हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छे से गल चुके हैं सब कुछ, आलू भी। अब गैस को ऑफ कर देंगे हम, और अब हम इसमें थोड़ा सा कोथमीर ऐड कर देंगे। तो हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए,
और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें। थैंक यू।